आज बात होगी दागी बनाम साफ छवि की। जी हां, दागी बनाम साफ छवि। मसला क्या है उत्तराखंड की सियासत में? यह मसला वैसे तो नया है, लेकिन इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है। एक सवाल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जहां हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए दाग अच्छे हैं? जिताऊ होते हैं क्या दागी उम्मीदवार? आप कहेंगे यह सवाल आखिरकार उत्तराखंड की सियासत में आज क्यों उठाया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि दाग अच्छे होते हैं? दरअसल चुनाव लड़ रहे कई चेहरे ऐसे हैं जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, मुकदमे उन पर चल रहे हैं। और इस बार चिंता की बात यह है कि 2017 से 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया। उदाहरण के तौर पर नामांकन जिन्होंने दाखिल किया वो 632 चेहरे थे प्रत्याशी के रूप में, कुछ निर्दलीय, कुछ आम आदमी पार्टी से, कुछ कांग्रेस से, कुछ सपा से, कुछ यूकेडी से, कुछ बीजेपी से। लेकिन इन 632 में से 101 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज हैं। और 632 में से 101 प्रत्याशी जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के ऐसे 22 प्रत्याशी हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, 70 में से 22। और इसके बाद संख्या आती है 21 के आंकड़े की। कांग्रेस 22 है तो निर्दलियों की 21 का आंकड़ा है जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। और जो आम आदमी पार्टी कहती है ना कि हम क्रिमिनल नहीं लेते, जिसके ऊपर अपराध दर्ज हो, आपराधिक श्रेणी में आता हो, वो हमारे पार्टी में सूट नहीं करता, हम उनको लेते ही नहीं। लेकिन उत्तराखंड में उल्टा है, आम आदमी पार्टी के 11 ऐसे चेहरे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज है, 13 है, 13 ऐसे चेहरे हैं। और बीजेपी में 12 प्रत्याशी ऐसे जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, बीएसपी के 11, समाजवादी पार्टी के 6 और यूकेडी के 7। यानी कि दाग सबके लिए अच्छे हैं। अब 2007 का आकलन भी कर लेते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 2007 में आंकड़ा ये क्या था, इस बार 101 है। तो 2007 में 630 प्रत्याशियों ने रण में ताल ठोकी थी और इनमें से 92 प्रत्याशी ऐसे थे जो आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। बीजेपी के 18 थे, कांग्रेस के 16 थे, निर्दलीय 31 थे, समाजवादी पार्टी के 2 थे, जबकि बीएसपी के 8 और यूकेडी के 4 दागी थे। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिरकार दाग क्या वाकई सबके लिए अच्छे हैं? मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ दो अनुभवी चेहरे जो कि पत्रकारिता जगत में वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं। एक हमारे साथ भागीरथ शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अरुण शर्मा जी, दोनों उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं। उत्तराखंड की सियासत में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इनकी गिनती होती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भागीरथ सर आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। तो सर, मान लें कि दाग सबके लिए अच्छे हैं, यहां तो कोई कम नहीं है, सब गंगा नहाए हुए हैं। जी, अब तो लगता तो यही है, क्योंकि जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं और जब उस पर गौर करते हैं तो दावा होता है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और जो है जो दुरुस्त कानून व्यवस्था वाला शासन देंगे। तो नियत तो यही दिख जाती है जब बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग उनको जो है उम्मीदवार बनाया जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि राजनीतिक दल कितना जो है धनबल और बाहुबल का वो सत्ता में आने के लिए करते हैं, क्योंकि जो ये जितने भी जो गंभीर अपराध में लिप्त रहे हैं या सामान्य तरह के अपराध हैं, तो उसमें कैटेगरीज हैं। तो जो गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, कई मुकदमे तो ऐसे हैं जो जिनको 10 साल 15 साल से अधिक समय हो गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति राजनीतिक पार्टी पारी खेल चुका होता है और तब भी मुकदमों का निस्तारण नहीं होता है। चुनाव सुधारों की बात सब करते हैं,
लेकिन अपने एजेंडे में वो उसको शामिल नहीं करते हैं, तो ये साफ देखा जा रहा है। और जिस जितनी संख्या में मैं समझ रहा हूँ करीब करीब 20% से अधिक जो प्रत्याशी हैं उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, तो उत्तराखंड जैसे राज्य जिसको देवभूमि कहते हैं ये अघाते नहीं है राजनीतिक दल, और यहाँ इस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को जिस तरह प्रकार से राज्य विधानसभा में जो राजनीति लोकतंत्र का मंदिर है वहां भेजने के लिए आतुर है। मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो हैं, हालांकि इसके कारण होते हैं, कारण जो जहां तक माना जाता है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं वो जीताऊ माने जाते हैं कि उनका धनबल और बाहुबल दोनों काम करता है, और जो सत्ता में आने का जो जादुई आंकड़ा होता चाहिए होता है वो उसमें पार्टियों को लगता है कि मदद मिलेगी। लेकिन जनता भागीरथ सर, मैं क्योंकि अरुण शर्मा जी और मनोज जी भी जुड़ गए हैं, मनोज सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अरुण सर मैं आपसे जानना चाह रहा था, तो मतलब मान लेना जो भागीरथ सर कह रहे हैं कि भैया जिताऊ होते हैं ये जो दागी उम्मीदवार जिसे आप कहिए, या फिर आप कहिए कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, या फिर आप कहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन ये जिताऊ होते हैं इसलिए पार्टियां दाव खेलने में हिचकिचाती नहीं है। बिल्कुल सही बोला भागीरथ भाई ने। देखिए ये तो मान के चलिए कि पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसे उम्मीदवार चाहिए जिनका एक व्यापक जनाधार हो, और उस व्यापक जनाधार के चलते कई बार पॉलिटिकल काम करते करते मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, कई जगह लाठीचार्ज हो जाता है, कई बार मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। एक तो ये कैटेगरी भागीरथ भाई ने साफ कही है। दूसरी बात यह है कि कई आदि अपराधी होते हैं, उनको हमें अलग करना पड़ेगा। देखिए और अब तो चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर दी है कि वो जो जो भी मुकदमे हैं या आपराधिक जो मामले दर्ज हैं उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए एक बात भागीरथ भाई ने बहुत बढ़िया बोली है कि हर पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और निश्चित तौर पर जिनका समाज में दबदबा होगा वो जिताऊ कैंडिडेट होता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। और आपने तो पूरा एक खाका खींच दिया है कि कहां कहां कौन कौन किस किस पार्टी में कितने दागी हैं। अब बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस जैसी पार्टी में 22 लोग आप कह रहे हैं कि अपराधी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक सोचनीय विषय भी है। और अगर जनता इसे नकार दे या पॉलिटिकल पार्टी इन्हें नकार दे तो ऐसे लोगों को कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। किंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि राजनीतिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जब हम सहमत नहीं होते सत्ता पक्ष के साथ और हम कोई आंदोलन करते हैं तो तब तब हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही कहा, लेकिन लेकिन सर मैं एक बात मनोज सर आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि भागीरथ सर ने कहा कि भाई ये तो राजनीतिक दलों के लिए दाग अच्छे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि भैया जिताऊ होंगे तो भैया दागी उम्मीदवार को भी टिकट देने से गुरेज नहीं करेंगे। अरुण सर भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब मान लो क्योंकि उत्तराखंड में तो ये रहा ना कि भैया ये शांत प्रदेश है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश वाली हवा जो है वो विपरीत दिशा में बह रही है और उत्तराखंड की तरफ आ रही है, कि हम कह रहे हैं कि भैया दाग अच्छे हैं, और अगर दाग अच्छे हैं तो क्या उत्तराखंड के संदर्भ में ये ना मान ले कि एक नई परिपाटी शुरू हो रही है, अब तक तो ऐसा था नहीं। तिलक जी सर, उत्तराखंड में हर राजनीतिक काल जो जब भी पुराने समय से भी अगर देखें, उत्तर प्रदेश के काल से भी देखें, तो राजनीति क्योंकि पिछवाड़े में पीछे चलने वाले जिनको बोले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमेशा ही रहे, वो ठेकेदारी से अपना माल छापते थे, ज्यादातर यहाँ सड़कों के ठेके, लकड़ियों का कारोबार, अवैध शराब का कारोबार, ये ज्यादातर यही माफिया तंत्र हुआ करता था। लेकिन इस बार जो 2022 का चुनाव है जी, उसमें आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस ने भी, जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दागियों पर और बाहुबलियों पर दाव खेला है, वैसे ही कांग्रेस की तरफ से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो चेहरे उतारे गए हैं मैदान में, तो कहीं ना कहीं या तो उसके पीछे कांग्रेस की यह मजबूरी हो सकती है कि धनबल की कमी रही,
और धन बल के साथ साथ जो सामने आई है कि कांग्रेस ने भेजे हैं और ये इसकी जानकारी सबके पास है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ की लागत पे कुछ बाहुबलियों को माफिया तंत्र को ये टिकटें बिकी है, इसके बारे में भी जानकारी लोग साझा करते हैं। खुद जब मैं अभी पहाड़ में घूम के आया तो कई विधानसभा क्षेत्रों में ये जानकारी मिली कि जी 5 साल तक दूसरे लोग काम करते रहे और लास्ट में एक बाहुबली माफिया को क्या कहते हैं टिकट मिल जाता है, वो साफ सीधे शब्दों में बोलता है कि 2 करोड़ में मैं टिकट खरीद के लाया। अभी आपने एक और देखा होगा कि 5 करोड़ के टिकट की बात खुल के सामने आई थी जी। ये सच्चाई है कि जरूर कहीं ना कहीं माफिया तंत्र ने हमेशा ही राजनीति में दखल देने की पूरी कोशिश की है। मैं अरुण भाई की बात पे आता हूँ कि अरुण भाई बता रहे थे कि इस समय है निर्वाचन आयोग के सामने एक श्वेत पत्र की तरह साबित करके देना पड़ता है कि मेरे पे चुनाव से पहले कितने केस दर्ज है, मैं आपराधिक पृष्ठभूमि में कहीं मर्डर का सजायाफ्ता तो नहीं, ये सारी बातें आ रही है। वही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है, वही बात हर जगह होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ऐसे माफिया इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर कई कत्लों का इल्जाम भी है जी। मैं अभी चंबल के एक डाकू रहे किसी सज्जन का, अब जो सज्जन हो गए हैं वो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे देश पर चुनाव लड़ाया करती थी क्षेत्र में और एक वो चला जाता था कि भाई इस क्षेत्र पर अगर वोट पड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को पड़ेंगे, इस बूथ से किसी दूसरे को वो नहीं पड़ना चाहिए। तो माफिया तंत्र किसी जमाने में बहुत हावी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, अब वो तंत्र उत्तराखंड में भी हावी हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तंत्र की राजनीति जी उत्तराखंड में अगर ये पनपाई जा रही है तो ये दुर्भाग्य होगा इस देवभूमि का। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप तीनों उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर। जी जी, एक बात बताना चाहूंगा, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड का कोई भी गांव का गरीब से गरीब आज तक भूखा नहीं मरा, कोई भी गरीब ऐसा नहीं है जिसका घर नहीं है, कोई भी गरीब ऐसा नहीं है जिसके अपने खेत खलिहान नहीं है पहाड़ों में। तो वो जानते हैं कि इन माफियाओं के माध्यम से हमें मिलेगा क्या, वो खा भी जाएंगे डकार भी जाएंगे और वोट वही करेंगे जहां उनकी मर्जी होगी। अभी माफिया इतना हावी नहीं हुआ कि आपके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के बोले कि गोली मार दूंगा अगर मुझे आपसे वोट की गलवाए, नहीं, यहां दूसरे तरीके के माफिया भी होते हैं। मैं उस पर आ रहा हूं सर, लेकिन भागीरथ सर मुझे एक बात बताइए, फिर मैं अरुण सर के पास जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम चाल चरित्र और चेहरे की बात करेंगे, मतलब मैं बीजेपी का नारा नहीं लगा रहा, उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी होंगे और ट्रिपल सी के फॉर्मूले के आधार पर ही हम उनको टिकट देंगे। यहां तो दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी 13 चेहरे ऐसे चुने जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, फिर हम ये क्या माने? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो है नई नवेली पार्टी है उत्तराखंड में और निश्चित रूप से ये बात सही है कि उसके पास एक प्रकार से कुछ अकाल सा था, नजर तो भाजपा और कांग्रेस के बागियों पर भी थी, लेकिन जो समाज में भले ही जो अच्छे कार्यों से लोग जाने जाते हों वो जब नहीं मिलते और संसाधन कम हो तो ऐसे में जो है जो खास एक जो बाहुबली जिसको हम कह रहे हैं आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, वो धनबल में भी वो जो है वो अच्छे होते हैं, तो पार्टी को ये लगा कि ये समाज का एक तबका या तो भय से या जो है उनका वो, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जैसे पीछे कोरोना काल आया, बहुत जो 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 संदिग्ध चरित्र के लोग थे वो भी समाज सेवा करते हुए दिखाई दिए, हालांकि वो समय काटने के लिए क्योंकि इधर उधर कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ऐसे लोगों को भी समाज सेवा करते हुए देखा। तो कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी रूप में चाहे भाई से या अपने प्रभाव से लोगों में जो है प्रभाव रखते हैं और ऐसे लोगों पर पार्टियों की नजर होती है निश्चित रूप से।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं भागीरथ सर। अरुण सर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। मैंने हरीश रावत का कार्यकाल या विजय पोखरण के कार्यकाल में, अगर मैं गलत हूंगा मनोज सर उसको करेक्ट करेंगे, मैंने वो देखा कि जैसे राजकुमार ठुकराल हुए, गिरफ्तारी की बात हाई वारंट जारी हुआ, कुर्की के आदेश जारी हुए, लेकिन वो फरार रहे, और एक हालात ये बने कि भैया विधानसभा में हाजिरी लगाने के लिए आना था तो दाढ़ी लंबी बढ़ाकर चोरी छुप के फोटो खिंचवा कर बता दिया कि भैया मैं आकर अटेंडेंस लगा गया हूं, मेरी विधायक की जिंदाबाद। एक उदाहरण यह था कि धरना प्रदर्शन करते हुए अरविंद पांडे जी ने कहा कि भैया देखिए मैं गदरपुर का रॉबिन हुड पांडे हूं, अपने आप को रॉबिन हुड पांडे घोषित कर दिया। तो ऐसे भी तो लोग हैं जो खुद कहते हैं भैया मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए तमका है, और उसी तमके के आधार पर चुनावी रण में टिकट भी ना मिले लेकिन निर्दलीय टाल ठोक जाएंगे, जैसे राजकुमार ठुकराल। वो कहते हैं कि वो मुकदमा मेरे लिए शान है, वो तमका है मेरे लिए, जो मेरे ऊपर अपराध के तहत दर्ज हुआ था रुद्रपुर दंगों का, वो मेरे लिए तमका है, वो दाग मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे भी तो कैंडिडेट्स हैं सर। अरुण सर, बिल्कुल आपने राजकुमार ठकराल का उदाहरण दिया, लेकिन शायद कुंवर प्रणव चैंपियन का उदाहरण देना भूल गया कि पिछले जब से वो विधायक हैं उसके बाद से कितने ज्यादा मामले उनके ऊपर, मतलब आरोप लगे। इतना ही नहीं, उत्तराखंडियों को गाली देने का आरोप भी लगा, माँ बहन की गालियां देने का, और वो वीडियो तमाम लोगों ने देखा है जिसमें वो अपने मुंह में पिस्टल रख के और दोनों हाथ में राइफल रख के डांस कर रहे हैं, और उसके अलावा कई कई मामले उनके ऊपर हुए। तो कम से कम भाजपा ने इतनी कृपा करी कि उनको टिकट नहीं दिया, उनकी पत्नी को इस बार दे दिया, क्योंकि पत्नी मतलब महिला के लिए ये माना जाता है ये कम से कम पुरुषों से थोड़ी सौम्य होगी। तो इसीलिए ये देखिए ये तमाम चीजें हैं, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो शायद आपने उठाई नहीं है, जिसको मैं इंगित कर दूं। बिल्कुल सर, कि हमारा उत्तराखंड का जो प्रादुर्भाव है वो यूपी से हुआ है, उत्तर प्रदेश से हुआ है। बिल्कुल, और हमारी बहुत बड़ी सीमा आज भी उत्तर प्रदेश से लगती है। तो जो जो उन जिलों का असर है, चाहे आप सहारनपुर का कहिए, चाहे मुजफ्फरनगर का कहिए, या उधर आप कुमाऊं में चलेंगे तो बिजनौर का कहिए, उससे आगे रामपुर का कहिए, है ना, उससे आगे पीलीभीत का कहिए, तो क्या उन जिलों का असर उस जो सीमांत क्षेत्र है उसमें नहीं पड़ेगा? कल्चर तो वही है, और इसीलिए उन क्षेत्रों में जो बाहुबली विधायक है तमाम, अगर आप नाम, कुछ नाम आपने लिए, कुछ और भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, जो हरिद्वार का तराई क्षेत्र है, या हम ये कहें कि उद्धम सिंह नगर का तराई क्षेत्र है, या बागेश्वर का तराई क्षेत्र है, तमाम नाम आप ले लेंगे, उन इलाकों से जो विधायक जीत के आए हैं वो अक्सर अपने क्षेत्रों में बाहुबली ही होते हैं। वरना उत्तराखंड की आप बात करें तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों की जगह अगर पूरब के लोग जीतेंगे तो क्या वो बाहुबली नहीं होंगे? खुद सोचिए कि अगर वो बाहुबली है तभी तो उन क्षेत्रों से जीते हैं। और केवल यही नहीं, आप ये देख लीजिए पिछला चुनाव हरीश रावत किच्छा से हारे थे और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से हारे थे। उन दोनों क्षेत्रों में हरीश रावत तो उत्तराखंडी थे ना प्योर, लेकिन उन दोनों क्षेत्रों से कौन जीता? जो उत्तराखंड में रह रहा था लेकिन मैदानी मूल का व्यक्ति था। तो कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर उनके साथ बाहुबल जुड़ा नहीं होता तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। लेकिन मनोज सर मुझे एक बात बताइए ना, चलिए अरुण सर ने नाम लिया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हुए, मैंने रॉबिन हुड पांडे खुद को घोषित करने वाले अरविंद पांडे जी का नाम ले लिया, राजकुमार ठुकराल जी का नाम ले लिया, कई तो ऐसे भी रहे ना जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ही ये घोषित हो गए थे ये उत्तराखंडी विरोधी हैं, वो भी आज चुनाव में है, उनके ऊपर भी वो तमका जो है ना सर वो तो माथे पर कलंक की तरह है। वो कहते कि नाम मतलब वो वाला नाम मतलब जो मैंने गोली चलाई थी, सर समझ रहे हैं ना कहां इशारा कर रहा हूं मैं। तो ऐसे कई महान अनुभव है कि नहीं मनोज सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो ये तक कहा था कि लास्ट उत्तराखंड मेरी लास्ट पर बनेगा, और फिर इसी प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे,
बहुत बड़ा नाम था। सारी जो बातें मैं कहने वाला था अरुण भाई पूरा पहले उसी का व्याख्यान कर गए। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। ऐसा हुआ कि महाभारत के बाद युधिष्ठिर ने भीम को बोला कि यार फलाना जगह पहाड़ में गढ़वाल में एक पंडित है और ये जो यज्ञ करना है उसको लेके आना आपको। तो भीम पहुंच जाते हैं उस गांव में तो पूछते जी वो पंडित कहां है। तो पता लगता है पंडित हल लगा रहा है। देखा है कैसा पंडित है जो हल लगा रहा है। बोले जी आपको युधिष्ठिर माता जी ने बुलाया और आपको चलना है। तो पंडित जी बिना नहाए धोए चल दिए साहब वैसे ही। ना कोई उसने देखा यार ये क्या चक्कर साला इसने ना नहाया ना धोया और चल दिया ऐसे ही, ये कैसा पंडित है। तो जैसे जैसे मैदानी भूभाग पे वो चलता रहा तो भीम जैसा आदमी बोल रहा था कि साला क्यों यही मार के फेंक देते हैं क्या, ये कोई पंडित ऐसा होता है क्या। तो जैसे जैसे मैदानी भाग में जाता रहा वो हर जगह नहाना स्नान करना उसका शुरू हो गया। आखिर उसने बोला पंडित जी आप इस तरीके से कैसे हो सकता है, आप जब पहाड़ में थे तब आपने नहाए धोए वैसे ही आपने मंत्र पढ़े और चल दिए मेरे साथ। जैसे ही आप मैदान की तरफ बढ़े आपकी तासीर कैसे बदलती गई। उसने कहा ये मैदानी भूभाग का पानी है यहाँ तासीर बदलनी जरूरी है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो राजकुमार ठुकराल अरविंद पांडे आपके जितनी भी पढ़ाई करते हैं पूरा हिंदू वोट हिंदू कह रहा है इसलिए कि गौ हत्या के बीच में बात आ गई और गौ हत्या में अगर कोई माफिया बन रहा है उस पर केस दर्ज हो रहे हैं तो हो सकता है ऐसे भी माफिया हुआ हो ऐसे कई माफिया चुनाव लड़ रहे हो जो समाज के हित में खड़े हुए हो और समाज के आधार पर मैं अपने भागीरथ सर बात करता हूं कि उत्तराखंड बहुत के समय पे ऐसे कई केस दर्ज हुए जो केस समाज के हित में हुए और वो केस दर्ज होने के बाद माफिया कानून हुए तो करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि आप सब राजनीति के पंडित हैं। आपने पंडितों का जिक्र किया तो आज लगता है मैं पंडितों के बीच में तिलक भी फंस गया। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था चलते चलते एक नाम का जिक्र क्योंकि बहुत अच्छी चर्चा हुई आज भागीरथ सर थैंक यू सो मच अरुण जी और मनोज जी। चलते चलते मैं एक नाम और ले लेता हूँ जिसे मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से वो हमारे बीच में नहीं है विनोद भरतवाल साहब। जी बिल्कुल 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 मैं सर कोई गलत नाम तो नहीं ले रहा वो भी तो एक रॉबिनहुड वाली छवि थी कि भैया मैं ठीक है राजनीतिक दल भरतवाल के सहपाठी भी रॉबिनहुड वाली छवि के हैं वो भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं। सर मैं तो इशारा कर ही रहा था उन्होंने पहले इशारा कर दिया था। भागीरथ सर थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा सर बहुत अच्छी चर्चा हुई। अरुण सर मनोज सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणाम सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उत्तराखंड की सियासत के वो महान धुरंधर पत्रकार जो बता रहे थे कि आखिरकार कैसे उत्तराखंड में दाग अच्छे हैं लेकिन इसके संदेश और मायने अलग हैं। पहाड़ की राजनीति अलग और मैदान की राजनीति अलग और ऐसे में इसी भूभाग के आधार पर राजनीतिक दल टिकट का बंटवारा भी करते हैं और ऐसे में उनके लिए मजबूरी हो जाती है कि दाग सबके लिए अच्छे चाहे वो आम आदमी पार्टी क्यों ना या फिर यूकेडी ही क्यों ना हो या फिर बीजेपी कांग्रेस ही क्यों ना हो। नमस्कार जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।